एवरीवन, मैं अमित और आप सभी का स्वागत करता हूँ भाटी फिटनेस गैली में। और आज हम बात करने वाले हैं हम अपने लंग्स को हम किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, अपने ऑक्सीजन लेवल को कैसे ठीक रख सकते हैं, तो मैं बताने वाला हूँ आपको इसके बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं, दिन की शुरुआत जो है हमें वो कैसे करनी है और दिन में हमें क्या लेना है। सबसे पहले मॉर्निंग की जो स्टार्टिंग करनी है वो आपको गुनगुने पानी से करनी है और गर्म पानी से आपको शुरुआत करनी है मॉर्निंग की। उसके अंदर आपको शहद और लेमन का यूज करना है, मतलब नींबू का यूज करना है, जिससे कि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, आपकी बॉडी क्लीन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जब आप मॉर्निंग की शुरुआत कर रहे हैं, दिन की शुरुआत कर रहे हैं, तो उस टाइम पर आपको सबसे पहले जो ध्यान में रखना है वो है गर्म पानी। आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका पानी है, जो वाटर है, वो ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा गर्म है उस टाइम पे आप उसके अंदर शहद ऐड नहीं करेंगी, क्योंकि वो जितना बेनिफिट नहीं देगा उससे ज्यादा आपको कहीं ना कहीं उसका नुकसान हो सकता है। इसलिए पानी का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, तभी आपको शहद और लेमन को ऐड करना है, उसे लेना है। लेने के बाद आपको जो सेकंड आपको करना है वो है, उसमें आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अभी क्या हो रहा है कि हम बैठे और हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, बट जब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करोगे तो आपको अपने ब्रीथ को, अपने सांस को थोड़ी देर रोक के रखना है, 3 या 4 सेकंड। 3 या 4 सेकंड आपको अपने ब्रीथ को रोकना है, ब्रीथ इन एंड होल्ड एंड ब्रीथ आउट, मतलब जितने टाइम में आपने ब्रीथ इन किए हो उतने टाइम में आपने ब्रीथ आउट करनी है। मतलब बिल्कुल प्रोसीजर जो होगा वो बिल्कुल स्लोली करना है आपको, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है आपको। 10 से 15 मिनट आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज में डेली टाइम देना है। आप मेडिटेशन प्राणायाम भी कर सकते हैं, भुजंगासन भी कर सकते हैं, मगर इस स्टार्टिंग जो है आपको वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से करनी है, जिससे हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल है, जो डाउन हो रहा है, वो इंक्रीज हो जाएगा। जब हम ब्रीथ इन करेंगे तो एक फ्रेश ऑक्सीजन कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में एंटर करेगी। बट इस चीज का भी ध्यान रखना है, सेकंड थिंग ये है कि जब भी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी विंडो ओपन होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए, ताकि ताजी हवा आपको मिल सके उस टाइम पर। एक नेचुरल जो चीजें हैं वो आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एंटर हो। सेकंड थिंग आती है, अब हमें लेना क्या है। अभी हमें जो है कुछ टाइम के लिए जो डेयरी वाले प्रोडक्ट हैं, जो उत्पादक हैं, उन सारी चीजों को अवॉइड करना है कुछ टाइम के लिए, जब तक ये सारे सर्कमस्टेंसेस नॉर्मल नहीं हो जाते हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, अपने माइंड को बिल्कुल काम रखना है, रिलैक्स रखना है, पहली थिंग। क्योंकि जब आप नेगेटिविटी अपने माइंड के अंदर लाओगे तो हमारा जो माइंड है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, हर चीज को बहुत अच्छे से कैच करता है और वो पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं पहुंचा देता है। अगर आप नेगेटिविटी के साथ जी रहे हैं तो और ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आने लग जाएंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव चीजों को ही सोचना है, अपने माइंड में लेके आना है। डेली प्रोडक्ट का यूज बाहर से ना करें, घर पर ही सारी चीजों का सेवन करें, जो भी चीजें घर पर हैं उन चीजों का ही आपको अभी यूज करना है। जो मेन थिंग आपको मैं बता रहा हूं अब वो है, आपको क्या करना है, स्टीम लेनी है, आपको भाप लेनी है, आपको पानी गर्म करना है और उसके अंदर चीजें ऐड करनी है, वो मैंने अपनी पहली वीडियो में बता रखी है आपको। ज्यादा से ज्यादा आपको दिन में 2 से 3 बार आपको स्टीम लेनी है, जिससे हमारे जो लंग्स हैं, जिससे हमारी जो श्वसन तंत्र है, जो चीजें, जो कफ जमा हुआ है वो पिघलकर कहीं ना कहीं मलमूत्र के रास्ते हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो एक इस चीज का ध्यान रखना है, आपको दिन में 2 से 3 बार स्टीम लेनी ही लेनी है। उसके बाद आती है बात पानी की, वाटर लेवल। आपको अपने वाटर लेवल का भी ध्यान रखना है। वाटर लेवल का मतलब है आपको पानी का ध्यान रखना है, पानी बिल्कुल भी बॉडी में कम नहीं होने देना है। आपको जब लगता है कि आपका गला सूख रहा है तो आपको पानी पीना है, आपको 6 से 7 लीटर पानी पीना ही पीना है पूरे दिन के अंदर। इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि पानी को बिल्कुल भी इस टाइम पर कम नहीं होने देना है। और उसके बाद आपको योगा करनी है, जब आपको टाइम मिलता है, अनुलोम विलोम, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि
एक तरीके से जो मान लो कि किसी चीज की ब्लॉकेज हो चुकी है और हमने उस पर प्रेशर दिया तो वो कहीं ना कहीं बाहर आएगा। तो ऐसे ही जब आप अनुलोम विलोम करेंगे तो उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। भस्त्रिका प्राणायाम भी आप कर सकते हैं, ये एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जिसे आप करके अपने लंग्स को, अपने चेस्ट को, मतलब अपने छाती को कफ रहित रह कर सकते हैं। कफ जो है बिल्कुल भी जमा नहीं होगा जब आप इन ब्रीदिंग एक्सरसाइज का यूज करेंगे। आप मुनक्के का यूज कर सकते हैं दिन में। आपको रात में क्या करना है, मुनक्के को फ्लो के रखना है, पानी में सोक करके रखना है, और मुनक्के को मॉर्निंग में उसके बीज को निकाल लेना है, उसका जो गूदा है केवल उसका यूज करना है, उसे आपको खाना है। अगर आप पानी अच्छे से वॉश कर रहे हो उसे, तो उस पानी को आप क्या कर सकते हैं, पी भी सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। एक चीज और जो है मुलेठी, मुलेठी आपको आसानी से मिल जाएगी कहीं पर भी मार्केट में, आप ले सकते हैं मुलेठी। आपको पता है जब आपका गला खराब होता है उस टाइम पर हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं मुलेठी का। जब आप मुलेठी लेंगे तो मुलेठी से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, और उससे क्या होगा कि आपको गले में काफी ज्यादा राहत मिलेगी। आज जो कफ जमा हुआ है उसे कहीं ना कहीं निकालने में आपको मददगार होगा। गर्म पानी का यूज करना है आपको, ठंडा पानी बिल्कुल भी यूज नहीं करना है आपको। हमेशा जब भी आप पीते हैं आपको गर्म पानी का यूज करना है। सेकंड थिंग यह है कि आपको जिस जगह पर आप रह रहे हैं उस जगह पर एयर क्वालिटी का पता होना बहुत जरूरी है कि वहां की एयर क्वालिटी क्या है, आपको वो चेक करके रखना है। आप बहुत ज्यादा पोल्यूशन वाले एरिया में रह रहे हैं तो वहां पर जो आपके घर पे एयर है, जो भी चीजें हैं, उस एयर क्वालिटी का बहुत ज्यादा आप ध्यान रखें। ये तो रही बात इन सारी चीजों की, आपको ये सारी चीजें करनी है। भाप लेना ही लेना है, एक से दो बार, तीन बार, जितनी बार आप ले सकते हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लेना है, मगर कम से कम मैक्सिमम टाइम आपको लेना है जिससे आपका जमा हुआ जो कफ है वो बाहर निकल सके। और योगा, मेडिटेशन, ये सारी चीजें आपको करनी है, भुजंगासन करना है। सेकंड उसके बाद आती है कि हम पूरे दिन में दो से तीन बार आपको काढ़ा लेना है तुलसी के पत्तों का। तुलसी के पत्तों का मतलब पानी में आपको एक गिलास पानी के अंदर 4 to 5 जो पत्तियां हैं तुलसी की वो डालनी है लौंग, और आपको थोड़ा सा उसके अंदर ऐड करनी है काली मिर्च, ब्लैक पेपर, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, और एक तेज पत्ता, जो मसालों में तेज पत्ता होता है उसे डालना है। इन सब का मिलाने के बाद एक मिश्रण तैयार करना है। एक गिलास पानी जब आधा गिलास हो जाए तब आपका ये कप पूरा तैयार हो जाएगा। इसके अंदर आपको हनी ऐड नहीं करनी है, आपको ये ऐसे ही लेना है काढ़ा। इसके अंदर इलायची आप डाल सकते हो, और अदरक का यूज करना है आपको। अदरक आपकी सेहत के लिए, आपकी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, इसलिए आपको अदरक का यूज करना है। विटामिन सी, जितने भी फल हैं विटामिन सी, उनका आपको कहीं ना कहीं अपनी इस जो डाइट है इसमें आपको वो ऐड करना है। विटामिन सी जैसे संतरा हो गया, आप संतरे को ऐड कर सकते हैं। कीवी ले सकते हैं, कीवी एक बहुत ही ज्यादा पौष्टिक है, आप कीवी ले सकते हैं, आप अंजीर ले सकते हैं, आप स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, जितने भी खट्टे फल हैं उनका आपको सेवन करना है। पाइनएप्पल ले सकते हैं, अनानास ले सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होगा। विटामिन सी का बहुत अच्छे स्रोत हैं ये सारी चीजें, जो आप लेकर आप देखेंगे कि आपको काफी फायदा मिलेगा। हरी सब्जियों का ध्यान रखना है आपको, हरी सब्जियां ज्यादा लेनी है आपको, पालक लेनी है, आप गोभी ले सकते हो, ब्रोकली ले सकते हो, ये सारी चीजें जो है आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नाइट के ड्रिंक की। आपको क्या करना है, आपको ड्रिंक तैयार करनी है। एक लेमन की ड्रिंक तैयार कर सकते हैं, नींबू पानी तैयार कर सकते हैं, हल्दी वाली ड्रिंक तैयार कर सकते हैं, जिसमें एक गिलास पानी में आपको आधी चम्मच से कम आपको हल्दी ऐड करके आप उसे ले सकते हैं। आपको पूरे दिन के अंदर दो से तीन बार गरारा करना है, गार्गल करने हैं, मतलब गरारे का मतलब, तो आपको पानी लेना है, उसके अंदर सेंधा नमक, सेंधा नमक अलग होता है, तो सेंधा नमक आप स्टोर वाले से मांगेंगे, किसी भी जो आपके यहाँ पर स्टोर है उस पे जाकर आप ले सकते हैं, वहां से आपको सेंधा नमक मिल जाएगा आसानी से। सेंधा नमक के गार्गिल करने हैं, ये हो गई बात हमारी गार्गिल की। ये दिन में आपको करना है, नाइट में नहीं करना है। नाइट के टाइम पर जब भी आप सोते हैं आप उस टाइम पर ग्रीन टी या फिर हल्दी वाले पानी का यूज करना है आपको। ये हो गई हमारी ड्रिंक की बात।
तो पूरे दिन आप इसे का सेवन करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। स्टीम लेने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा योगासन करने से और जो मैंने चीजें बताई हैं इन्हें करने से। तो आप डेली इन चीजों को करें और देखेंगे कि आप विद इन 2 वीक के अंदर आपकी काफी अच्छा इम्यून सिस्टम काफी अच्छा हो जाएगा, आपके जो ब्रीथ आपके जो श्वसन तंत्र है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, जो सांस लेने में जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है वो भी आपको कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि जब आप स्टीम लेंगे, जब आप भाप लेंगे तो जो सारी चीजें जमी हुई है वो सारी चीजें पिघल कर मलमूत्र के द्वारा वो आपकी बॉडी से बाहर हो जाएंगे। और जब आपका इंटरनली ऑर्गन सारे स्ट्रांग होंगे तो आपको कोई भी मेडिसिन के नाम के कुछ भी लेने की आपको जरूरत नहीं। बस यही बताना चाहता था, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी। तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।